गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज हानी की डायरी में जो रेसिपी बनने वाली है बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाने वाले हैं अरवी गोश्त और इसे हम बनाएंगे चिकन के साथ। आप जानते हैं कि चिकन के साथ जब शोरबे वाली कोई भी रेसिपी बनती है बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि जो शोर चिकन की जो यखनी होती है उसमें बहुत ही टेस्ट होता है, बहुत ही अरोमा होता है, बहुत ही फ्लेवर होता है और उसके साथ जब आप कोई सब्जी ऐड करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन ली है 1 kg, यानी 1 किलो मुर्गी ले ली है मैंने। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद अरवी ली है, यहाँ पर अरवी मैंने ली है 1/2 kg, यानी आधा किलो अरवी ली है। ये थोड़ी बड़ी अरवी है तो हम इसको बीच में से कट करेंगे ताकि ये इजीली गल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है प्याज, तकरीबन 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज की, और गार्निशिंग के लिए 5 से 6 हरी मिर्चें और हरा धनिया लेना है। उसके बाद लेना है तेल, यानी ऑयल लेना है 1 कप, दही लेना है हमको 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेना है 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लेना है 1 टीस्पून और नमक लेना है 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेस्ट। गरम मसाले में मैंने ली है यहाँ पे 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लौंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली साबुत मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये जो सब्जियां हैं यानी प्याज और मेरी ये अरवी, इसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने अरवियों को बीच में से 1/2 कर लिया है, ऐसे लंबे लंबी ये शेप में हैं और अच्छी लगेंगी ये बहुत ही। और जो प्याज थी उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये हमारी प्रिपरेशन रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे कि एक पैन में देगची में ऑयल को गरम कर लेंगे। 1 कप ऑयल लिया था मैंने, उसको अच्छी तरह से गरम कर लेना है। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं जो भी आपके पास है। उसके बाद ये जो कटी हुई प्याज थी इसका भगाड़ लगाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे हम। इसको फ्राई करना है इतना कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होने की तरफ आ जाए। तो देखिए जनाब, माशाल्लाह से इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हमारे साबुत गरम मसाले, और अब इसके साथ हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो साबुत गरम मसालों का जो फ्लेवर है, खुशबू है, वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो, मिक्स हो जाए। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब क्या होगा कि इसकी जो खुशबू है आपको आने लगेगी प्याज की, गरम मसालों की और अदरक लहसुन की। और यहाँ पर माजरत के साथ, वो क्लिप जिसमें मैंने मसाले ऐड करे थे वो मुझसे पता नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका या कोई और एरर आ गया, मगर यहाँ पर मैंने जब लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होने लगा था तो मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, यानी नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ मसालों के साथ। ओके जी, तो 2 से 3 मिनट मसालों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी फिटा हुआ दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। और दही शामिल करने के बाद अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, यानी कि 5 मिनट तक इसको लगातार फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी सारा का सारा खुश्क हो जाए और मसाला हमारा कम्प्लीटली रेडी हो जाए।
माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसका जो अरोमा है वो मैं फील कर सकती हूँ। कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है इसका। मसाला यहाँ पर भुनने लग गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल फट चुका है, नीचे से हल्का हल्का लगने लगा है। तो बस अब हम मीडियम कर देंगे फ्लेम को, यानी थोड़ा सा कम कर देंगे, और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी चिकन, बिस्मिल्लाह। और अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे अरवी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इन दोनों चीज़ों को मसालों के साथ मज़ीद 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे, यानी कि भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से कर रही हूँ मिक्स, और साथ ही इसको भूनूंगी। इसको ऊपर नीचे से अच्छी तरह से हिलाना है ताकि मसाला या फिर हमारा जो चिकन है वो नीचे से लगने ना पाए। इस वक्त हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हम इसको भून रहे हैं। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा मसाला कम्प्लीटली भुन चुका है, हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल सारा का सारा ऊपर आ गया है, कलर भी बहुत ही शानदार है इसका। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 ग्लास पानी या फिर 3 ग्लास पानी, जितना शोरबा आपको रखना है, जितना थिक और जितना पतला रखना है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, मगर 2 से 2.5 ग्लास आपको शामिल करना ही है ताकि जो हमारी चिकन और अरवी है वो भी टेंडर हो जाए, गल जाए अच्छी तरह से, और शोरबा भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाए। अब मैं इसको कवर करके उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक कि जो चिकन है और जो अरवी है वो गल नहीं जाती है। तो जी 15 से 20 मिनट लगे इस पूरी की पूरी डिश को रेडी होने में, यानी कि हमारा शोरबा जो है वो रेडी हो गया, हमारी चिकन और अरवी भी जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। लेट मी शो यू कि ये कितनी अच्छी तरह से गली है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये सॉफ्ट हो गई है हमारी अरवी जो है, थोड़ी गर्म है तो मुझसे नहीं जो है वो हाथ लगाया जा रहा, बट यू कैन सी कि ये गल चुकी है माशाल्लाह से, ये बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्टली कुक हुई है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। तो चलें जनाब अब इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और जो हरा धनिया था उसे चॉप कर लिया था, और हरी मिर्चें, ये ऐड करके इसको हम कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे दम देंगे ताकि हमारा जो रोगन है वो ऊपर आ जाए और बहुत अच्छी जो है वो स्मेल भी आ जाए हरे धनिए की, हरी मिर्चों की। तो इसे कर देते हैं कवर। तो जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब देखिए जो रोगन है वो ऊपर आ चुका है, और माशाल्लाह से इसकी शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही बहुत पतला है ना ही गाढ़ा है। जनाब नमक जो है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो चलिए इसको हमने कर लिया है डिश आउट, और आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको बस सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम पर अवेल हो। इसके अलावा ये डिश जरूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।